अंग्रेजी एट होम की एक और वीडियो में आपका स्वागत। आज की वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल्स। इंग्लिश में आर्टिकल का क्या यूज है, इनका इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंस है, और इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, कहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं और कहां पर हम यूज करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आर्टिकल का आज हम सीखेंगे, साथ ही हम सीखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करने के सारे रूल्स, किस तरीके से हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है जब भी ये एग्जाम्स में आता है या जब भी हमें यूज करना होता है। तो फ्रेंड्स, आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप करें। तो बिना बकैदी शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आर्टिकल जो होता है वो दो टाइप का होता है, इसे हम दो तरीके से देख सकते हैं, जिसमें पहला होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है, उससे पहले हम समझे आर्टिकल कहेंगे किसे या फिर ये क्यों यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो आर्टिकल होता है वो किसी भी नाउन के पहले आता है, जो आर्टिकल होता है वो नाउन के जस्ट पहले आता है, और जिस भी नाउन का हम रेफर कर रहे हैं, जिस भी नाउन को हम मेंशन कर रहे हैं, उसके साथ ही आर्टिकल आकर ये बताता है कि ये जो आर्टिकल है ये स्पेसिफिक, ये जो नाउन है ये स्पेसिफिक नाउन है या नहीं है, यानी कि इसके रिलेवेंस को वो पक्का करेगा, यानी कि ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। इसी तरीके से इसके यूज के अकॉर्डिंग हम इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल को यूज करेंगे। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, अ मैंगो, मैंगो एक नाउन है, इससे पहले अ आया, उसके बाद एन एप्पल, एप्पल एक नाउन है, इससे पहले एन आया। यहां पर ये जो मैंगो है इसके पहले ए आने से ये एक इनडेफिनेट हो गया, यानी कि यहाँ पर किस मैंगो की बात की जा रही है हम नहीं जानते। वहीं पर यहाँ पर भी एप्पल के पहले एक इनडेफिनेट आर्टिकल एन आया और इस एप्पल को उसने इनडेफिनेट कर दिया, यानी कि जो एप्पल है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसी तरीके से अ मैंगोज, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंगो था या मैंगोज है, लेकिन ये जो यूज है आर्टिकल का ये रॉन्ग है। इसी तरीके से एन एप्पल्स, ये भी जो यूज है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जो इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं वो केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज किए जा सकते हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन होना चाहिए जिसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज किया जा सकता है, इनको प्लूरल नाउन्स के साथ यूज नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि इनका जो मीनिंग निकल कर आता है वो हिंदी में एक का सेंस क्रिएट करता है, एन का भी सेंस एक का ही होता है, क्योंकि हम इनको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर रहे हैं, और इस तरीके से इनको हम इनडेफिनेट बना देते हैं, यानी कि ये कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है जिसका हम बात कर रहे हैं, वो कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें डेफिनेट आर्टिकल की, तो डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो होता है, वो किसी भी सिंगुलर या प्लूरल, काउंटेबल या अनकाउंटेबल किसी भी नाउन के साथ आ सकता है। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा बाद में करेंगे, पर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि द डॉक्टर, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी आ गया, द टीचर, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आ गया, डॉक्टर्स के साथ भी आ गया और टीचर्स के साथ भी आ गया। लेकिन द का यूज करने से ये जो डॉक्टर है और ये टीचर है, ये डॉक्टर्स और ये टीचर्स, ये सारे स्पेसिफिक बन गए, यानी कि इनका जो रिलेवेंस है वो स्पेसिफिक हो गया किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो ये मेन चीज है जो हमें समझना है कि किस तरीके से एक आर्टिकल का यूज करके हम नाउन को स्पेसिफिक बना सकते हैं या फिर उसे स्पेसिफिक नहीं रख सकते हैं, उसे रैंडम कर सकते हैं। तो यही एक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल का, और इसीलिए आर्टिकल का यूज इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाता है। वीडियो पूरी देखिएगा, आज मैं पूरा आपको आर्टिकल सिखा के रखूंगा, और इनडेफिनेट आर्टिकल तो हम डेफिनेटली आज सीख कर ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम डिटेल में सीखते हैं किस तरीके से हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, और इनडेफिनेट जो आर्टिकल होते हैं वो अब जैसा आपको पता चल गया होगा, वो होता है ए और एन। ए और एन का यूज करना बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इसकी डिटेल आप पूरी तरीके से समझ लीजिए, इस वीडियो के अंदर आपको आराम से समझ में आएगा और पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी भी आप इसमें गलती नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप पूरी वीडियो जरूर देखिए। अब हम देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स के रूल। इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो होते हैं ए और एन, और ए और एन के यूज को सीखने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पर, और इन्हीं एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको पूरा का पूरा ए और एन का पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। इस रूल्स को हम पढ़ें और कहाँ पर ए और एन का यूज होता है, इससे पहले थोड़ा सा आपके दिमाग में आप रिमाइंड कीजिए, हमने जब बचपन में वोवल और कॉन्सोनेंट पढ़े थे वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप दिमाग में लाइए आपके, उससे ये पूरा डिपेंड करता है ए और एन का यूज। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, आपने सबने अल्फाबेट ए टू जेड पढ़े हुए हैं, तो उसके अंदर कुछ अल्फाबेट जो होते हैं जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो अल्फाबेट्स हैं इनको हम वोवल साउंड कहते हैं। फ्रेंड्स, इन अल्फाबेट को
कुल मिला के हमें साउंड, यानी कि इनका साउंड निकालना होता है। जब हम इनको बोलते हैं तो एक साउंड क्रिएट होता है हमारे मुंह से, वो बात आप ध्यान रखिए। इनको छोड़कर ये जो पांच है, इनको छोड़कर बाकी सारे जो 21 लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए और इनके साउंड को ध्यान में रखिए। जैसे ये ए का साउंड करता है, ये ई का साउंड करता है, ये आई का साउंड करता है, ये ओ का और ये यू का, ये साउंड आप ध्यान में रखिए। साथ में आप कॉन्सोनेंट के साउंड भी आपके दिमाग में रखिए, जैसे बी का साउंड, सी का साउंड, डी का साउंड, इस टाइप के सारे साउंड जो है वो जेड तक आपके दिमाग में रखिए। इस तरीके से अगर आप ध्यान में रखेंगे, मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। जब हम किसी नाउन को देखते हैं और उसके पहले हमें आर्टिकल लगाना है एन और ए, इन दोनों में से कोई एक, तो आप उसको पढ़िए, उसको प्रोनाउंस करिए, उसको प्रोनाउंस करेंगे तो हम देखते हैं कि उसमें साउंड किस चीज का निकलता है। उसको बोलने पर, उसको प्रोनाउंस करने पर साउंड किसका निकलता है। जैसे मैं इसको पढ़ता हूँ बेट, बेट पढ़ने पर यहाँ लिखा हुआ भी बी है, साउंड भी बी का निकल रहा है बेट। ठीक है, तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड निकले, क्योंकि ये ए ई आई ओ यू में से नहीं है और कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड निकलने पर, मैं इसकी नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, आप ध्यान रखिएगा, यही सबसे ज्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट्स। आप लिखे हुए को छोड़िए, इसको बोल कर देखिए साउंड किस चीज का निकलता है। अगर ये चीज आपने पकड़ ली, आपका जो ए और एन का कंफ्यूजन है वो कभी नहीं रहेगा, कभी गलती नहीं करेंगे आप इसके अंदर। जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये बैट और बी का साउंड निकलता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। बेसिकली ये एक ही आर्टिकल के दो रूप है केवल, और इनको बोलने की सुविधा के अकॉर्डिंग बनाया गया है केवल, क्योंकि हमारे गले की कुछ लिमिटेशंस होती है, हमारे वोकल कोड की कुछ लिमिटेशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग इनको डिजाइन किया गया है, ताकि आपको इंग्लिश में बोलते वक्त, आर्टिकल के साथ नाउन को बोलते वक्त कोई भी कठिनाई ना हो, आपके गले में कोई तकलीफ ना आए। सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस एक आर्टिकल के दो रूप बनाए गए हैं, और अगर इसी का हम रूल नहीं समझे तो फिर इनका बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अबेट बोलने में कोई समस्या नहीं आएगी, वैसे ही यहाँ पर अगेन बॉक्स बी का साउंड निकल रहा है तो आर्टिकल ए लगाएंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है बी का। फिर हम बात करते हैं कलरफुल काइट। कलरफुल काइट को लिखने में तो यहाँ सी लिखा हुआ है, लेकिन जो साउंड निकल रहा है वो के का निकल रहा है, और के हमारा कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमको लगाना है ए, तो अ कलरफुल काइट कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर लिखा है व्हाइट शर्ट, व्हाइट शर्ट में वी का साउंड निकल रहा है, तो यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से हम लगाएंगे ए। अब हम आते हैं बिग आइस क्यूब, बिग आइस क्यूब में वी का साउंड निकल रहा है, तो हम यहां पर लगाएंगे ए। इस तरीके से हम जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड वाले नाउन के पहले ए लगाएंगे, आप इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं इन एग्जाम्पल्स में क्या लगाएंगे। यहां पर देखिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यहां पर आई लिखा हुआ है लेकिन साउंड बोलने में इंटेलिजेंट यानी कि ई का साउंड आ रहा है, ई का साउंड, ई हमारा होता है वोवल, और वोवल साउंड वाले नाउन से पहले हमको लगाना पड़ता है एन आर्टिकल। एन आर्टिकल लगाने से इसको बोलना इजी हो जाएगा, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अगर हम इसको बोलना पड़ता ए स्टूडेंट, ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें बोलने में दिक्कत आती, क्योंकि ये भी एक वोवल साउंड होता और ये भी वोवल साउंड होता, दो वोवल साउंड एक साथ बोलने पर हमारे गले में समस्या तकलीफ आती है, इसलिए इसको एन लिखा गया, ताकि एन में एक न यानी कि एक कॉन्सोनेंट साउंड बीच में आ जाए और हमें उसको बोलने में कोई दिक्कत ना हो। आगे आते हैं अर्ली मॉर्निंग ट्रेन, अर्ली मॉर्निंग ट्रेन, यहाँ पर ई लिखा हुआ है, साउंड आ रहा है ए का, अर्ली मॉर्निंग ट्रेन, ए क्या होता है वोवल होता है, वोवल के अकॉर्डिंग हमें लगाना है एन, एन अर्ली मॉर्निंग ट्रेन, बोलने में कोई समस्या नहीं आई। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, अगेन आई लिखा हुआ है लेकिन साउंड आ रहा है ई का, ई का साउंड है, मतलब हमारा वोवल है, वोवल से पहले हमको लगाना है एन। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट कॉफी में अगेन आई लिखा हुआ है लेकिन साउंड आ रहा है ई का, तो हम क्या लगाएंगे वोवल के अकॉर्डिंग यहां पर एन आर्टिकल लगाएंगे। इस तरीके से कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए लगाएंगे और वोवल साउंड से पहले हम एन का यूज करेंगे। अब समस्या कहाँ आती है, समस्या आती है इस टाइप के वर्ड्स में, जिनको कॉन्सेप्ट आधा अधूरा याद होता है या तरीके से उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, या फिर आधी अधूरी वीडियोस देखने वालों को समस्या यहाँ पर आती है, क्योंकि वो देख लेते हैं कि वोवल अगर कहीं पर लिखा हो तो एन लगाना है और कॉन्सोनेंट कहीं लिखा हो तो ए लगाना है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि साउंड देखना है, साउंड के आधार पर हमें लगाना होता है ए या एन। अब यहां पर देखिए ये लिखा हुआ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में लिखा तो यू है जो कि एक वोवल है, लेकिन साउंड आ रहा है या यानी कि वाई का साउंड आ रहा है, और वाई क्या होता है हमारा कॉन्सोनेंट होता है, और यहाँ पर चूंकि वाई का साउंड आ रहा है इसलिए हम कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए लगाएंगे, ए आर्टिकल लगाएंगे। है थोड़ा ट्रिकी, अगर ये नहीं समझोगे तो आर्टिकल समझना बिल्कुल बेकार है आपके लिए। अब देखते हैं एम ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है,
एम होता है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसको बोलने पर साउंड आता है एम, यानी ए का साउंड आ रहा है एम, तो ए का साउंड आ रहा है, और ए क्या होता है वोवल होता है, और वोवल से हमें क्या लगाना पड़ता है एन लगाना पड़ता है, एन एम ए स्टूडेंट। आइए अब देखते हैं यहाँ लिखा है यूनिट, यूनिट लिखा हुआ है, और यहाँ पर साउंड जो आ रहा है वो अगेन जैसे यूनिवर्सिटी का साउंड था वैसे ही यहाँ पर वाई का साउंड है, तो वाई का साउंड है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इससे पहले हमको लगाना पड़ेगा ए, ए आर्टिकल लगाएंगे हम इससे पहले। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लिखा है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लिखा हुआ है, लिखा हुआ यू है, वैसे तो ये वोवल है और साउंड जो इसका बन रहा है वो ए का साउंड बन रहा है, तो अगेन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्योंकि साउंड वोवल का है इसलिए हम यहाँ लगा देंगे एन। उसके बाद एच शेप्ड कॉलोनी की बात करी गई है, एच शेप्ड एक कॉलोनी है जिसका शेप कैसा है एच जैसा, अब जब एच को हम प्रोनाउंस करते हैं तो एच, ये देखिए तो ए से निकलता है उसका साउंड, एच एच ए से निकल रहा है साउंड, तो ए से साउंड निकल रहा है तो हमारा वोवल साउंड हम उससे पहले क्या लगाएंगे एन लगाएंगे। अगर यही कॉन्सेप्ट अगर आप आधा दूर सीखेंगे तो आपके लिए समस्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है इसको देखकर आप ए लगा दोगे, यहाँ पर कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है इसको देखकर आप ए लगा दोगे, तो यही फायदा होता है वीडियो को पूरा देखने का। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए जहां इसकी जरूरत है, स्टूडेंट्स के बीच में इस वीडियो को स्प्रेड करिए और उनका भी भला करिए ताकि वो भी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को समझ सके आपके साथ साथ, क्योंकि इंडिया के अंदर इंग्लिश को एक अच्छे लेवल तक ले जाना बहुत जरूरी है, और इसमें केवल और केवल आप ही हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ताकत है, आपके अंदर ताकत है शेयर करने की, तो शेयर करिए इसको। फ्रेंड्स ये था आर्टिकल का पार्ट वन जिसमें मैंने आपको इनडेफिनेट आर्टिकल सिखाए हैं, इसके पार्ट टू में मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना सिखाऊंगा। इसी वीडियो में मैं आपको द का यूज इसलिए नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है, तो पहले इसको आराम से आप बार बार देखिए, जहां से आपको वीडियो लगता है वहां से आप रिपीट करके देखिए, आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो आप उसको कम करके देख लीजिए, प्लेबैक की स्पीड जो होती है उसको कम किया जा सकता है, वहां से देखिए, रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए और कॉन्सेप्ट को पूरा समझिए ताकि आपसे कभी गलती ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो का पार्ट टू आप जरूर देखिएगा जिसमें हम सिखाएंगे आपको डेफिनेट आर्टिकल्स, और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो और आपके मन में कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट करने से बिल्कुल मत कतराइए, कमेंट करिए आप, और हमारे चैनल अंग्रेजी एट होम को सब्सक्राइब जरूर करें।